दोस्तों, स्टूडेंट्स और अभिभावकों, स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग संस्थान अभी आने वाले मुझे लगता है कि कई महीनों तक अधिकांश शहरों में बंद रहेंगे। तो ऐसे में बच्चे घर पर हैं और करें तो क्या करें। बच्चों को बहुत सारा बच्चे जो हैं बहुत सारे बच्चे फिल्म या यूट्यूब या टीवी, इसमें अपना वक्त बहुत सारा गुजार रहे हैं, कार्टून्स। कॉलेज स्टूडेंट्स भी कहीं वीडियो गेम, कहीं कुछ। इसमें कुछ खराबी नहीं, मैं पूरी तरह इसके खिलाफ नहीं हूँ मोबाइल या इंटरनेट के, लेकिन इसका एडिक्शन या बहुत अधिक उपयोग करना आपके मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और आपके आगे बढ़ने की क्षमता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कॉलेज के हैं वो या स्कूल के हैं, सबसे पहली बात ये, कुछ बातें मैं अपने बच्चों के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं वो भी बताऊँगा मैं। तो सबसे पहली चीज़ आप ये ध्यान में रखिए कि आप अपना वक्त यदि सिर्फ किल कर रहे हैं कोरोना के समय में, ये सोच के कि आगे जब स्कूल खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगे, तब मैं मेहनत करना शुरू करूंगा, तो ये ध्यान रखिए कि जिन लोगों को टॉप करने की आदत है या जो आगे बढ़ने की आदत है, वह चुपचाप नहीं बैठे हुए हैं। वो इस वक्त को बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर रहे हैं अपने आगे बढ़ने के लिए। तो आप यदि अपने वक्त को, अधिकांश वक्त को आप यदि जस्ट यूं ही वेस्ट जाने दे रहे हैं, तो आप पीछे होते जा रहे हैं। तो पहली बात तो आप यदि 10th में हैं, 9th में, 11th में, 12th में, PMT की, PPG की तैयारी कर रहे हैं, नीट PG की तैयारी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये समझ लीजिए कि अब बहुत हो चुका आराम, सीधे सीधे आपको पढ़ाई करने के लिए लग जाना है। आपके पास जो भी किताबें हों उनका रिवीजन या नए सिरे से पढ़ना हो, आप नई क्लास में एंटर किए हैं 10th में, 11th में, उनको ख़त्म करना शुरू कीजिए। ऐसे वाले सब्जेक्ट्स पहले चुनिए जिनमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि इंग्लिश है, हिंदी है, बायोलॉजी है, जिसमें आपको किसी टीचर की सीधे ज़रूरत नहीं पड़ रही है, या फिज़िक्स केमिस्ट्री में आप ऐसे टॉपिक्स पहले चुन लीजिए जो कि सिर्फ याद करने बेस्ड हैं, सिर्फ आप खुद पढ़कर समझ सकते हैं, जिसमें इक्वेशन ज़्यादा नहीं है, वो करना शुरू कीजिए। ऑनलाइन कोचिंग कोर्सेज यूट्यूब चैनल्स के थ्रू फ्री यदि आप देखना चाहें, या जैसे खान अकेडमी का जो है वो काफ़ी अच्छा है, उनके हस्बैंड खान जो है वो पाकिस्तानी शायद, और हस्बैंड डॉक्टर है US में, मेरी एक बैचमेट है US में, डॉक्टर नीलाक्षी, उनकी वाइफ उनके साथ डॉक्टर है, तो वो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। यदि आप लोग आकाश के या कोई कोर्स खरीद सकते हैं, या बायजू जैसे जो भी यदि आप खरीद सकते हैं या फ्री, ऐसे दोनों ही प्लेटफॉर्म ऑनलाइन बहुत सारे अवेलेबल हैं टीचिंग और कोचिंग के, तो उन्हें ज़रा एक्सप्लोर कीजिए आप लोग, ठीक है। साथ में कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, यदि बच्चे छोटे हैं या आपके पास वक्त अधिक बच जाता है पढ़ाई के अतिरिक्त भी, तो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ जिनमें आपका दिमाग फ्रेश हो, हॉबी भी पूरी हो, साथ में आप कोई टैलेंट भी सीख रहे हो, वो करना शुरू कीजिए। अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं अभी क्लिनिक जाने वाला हूँ, ये इसलिए पहन लिया, अभी थोड़ी देर में मास्क पहनूंगा, तो क्लिनिक से मैं लौट कर जब बच्चों से मिलता हूँ, बच्चे हमने दूसरे घर में रखे हैं क्योंकि हम लोगों को कोरोना का एक्सपोजर का संभावना होती है, तो हम शाम को मैं क्या करता हूँ, उन लोगों को कोई टास्क देता हूँ, जैसे आजकल वो ड्रामा लिखने का मैंने उनको टास्क दिया है कि आप शाम, बड़ा बेटा मेरा 10th में, छोटा 7th में पहुंचा है और बड़ा 10th में पहुंचा है, तो अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई, इस पहले हम लोग खेला करते थे, कहीं स्विमिंग करना, क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना, तो ये सब अभी बंद है ना, तो अभी हम लोग, मैंने उनको बोला है कि ड्रामा लिखने के लिए छोटे छोटे और एक्ट करके दिखाना है, कभी कभी मैं भी पार्टिसिपेट करता हूँ कोई रोल, कभी मैंने उनको कहा कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी का आपसी वार्तालाप क्या होगा, इमेजिन करके लिखो अपने अपने विचारों, उनके थॉट प्रोसेस को, कभी हमने कुछ फनी जैसे कि हिटलर, रावण, उसामा बिन लादेन एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, नरक में मिल रहे हैं या कहीं भी मिल रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा जिनकी निगेटिव चर्चा रही इतिहास में, वो एक दूसरे से कैसे डायलॉग्स बोलेंगे, उनको फ़नी वे में भी बनाया जा सकता है, या अपनी कोई जीवन की कोई भी परिस्थिति, तो इससे क्या होता है कि आपका दिमाग खुलता है, आपको एक नया टैलेंट के बारे में पता चलता है कि आप लिख सकते हैं कि नहीं, आप ड्रामा कर सकते हैं कि नहीं, ये मैं बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। आप लोग अपने घर में दूसरा कुछ भी कर सकते हैं, राइटिंग आपको पसंद नहीं तो पेंटिंग यदि आपको पसंद है वो कर सकते हैं, चेस सीख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन गेम है दिमाग के लिए, या आपको आता है खेलना तो उसको नए सिरे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कई इंडोर एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिन्हें आप अपने जीवन में बेहतर ढंग से लाकर, कंस्ट्रक्टिव ढंग से लाकर इस पीरियड को आगे बढ़ सकते हैं। इसमें भी न्यूटन जो है, उस समय प्लेग फैला था, और प्लेग जब फैला तो सब लोग डरे और सब लोग लॉकडाउन उस समय भी हुआ, अपने अपने घरों में कैद हो गए, उस वक्त न्यूटन ने ग्रेविटी वगैरह के जो सिद्धांत हैं, जो इक्वेशंस हैं, उन
को समझना सबसे ज़्यादा उस दौरान में किया, उन कुछ 3 to 6 months उनको घर में रहना पड़ा था। तो जो लोग आगे बढ़ने की टेंडेंसी रखते हैं वे आगे बढ़ते हैं एडवर्सिटीज़ में भी, जहाँ पर सब लोग डर रहे हो, सिर्फ अपना समय किल कर रहे हो, वहाँ पर वो कोई ना कोई सकारात्मक चीज़ करके आगे बढ़ रहे होते हैं। आप कई चीज़ें कर सकते हो इंडोर में, लैंग्वेज पर काम करना, ठीक है, भाषा पर अपनी, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो या आपकी मातृभाषा हो, उसकी प्योरिटी, उसका डिक्शन, उसके बोलने का अंदाज, कम्युनिकेशन स्किल, इस पर आप वर्क कर सकते हैं। आपको यदि पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो आप एक दूसरे को, आप भाई बहन हैं या माता पिता, अपने बच्चों को ले सकते हैं, या बच्चे खुद टॉपिक ले सकते हैं आईने के सामने या मोबाइल कैमरे के सामने बैठिए और कोई भी टॉपिक ले लीजिए, जैसे कि मुझे रोटी पर 5 मिनट बोलना है, कपड़े पर 5 मिनट बोलना है, मकान पर 5 मिनट बोलना है, या मुझे किसी बर्ड पर 5 मिनट बोलना है, फूलों पर 5 मिनट बोलना है, धारा प्रवाह बिना ज़्यादा सोचे या लिख कर। तो इस तरह की प्रैक्टिस, कम्युनिकेशन स्किल की, जो जो सब स्टेज के सामने आपको बोलने की प्रैक्टिस, वो आप खुद कैमरा रख के कर सकते हैं, कैमरे पे फिर बोलिए, फिर देखिए आपका अंदाज, आपका तरीका, उसको फिर चाहे तो डिलीट करिए, फिर से रिकॉर्ड कीजिए, कहीं आप फंबल तो नहीं करें, आप तो बहुत देर नहीं बोल रहे हैं, आप घबरा तो नहीं जाते हैं, आप बीच में रुक तो नहीं जाते हैं। तो इसकी कई तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो। लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए आपको मूवी देखनी है, यदि आपको इंग्लिश सीखनी है तो इस आप कार्टून देखते हो तो इंग्लिश में कार्टून देखिए, मूवीज देखनी है इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ मूवी देखिए, इंग्लिश जैसे आपको सीखना है तो इंग्लिश ही सुनना है, इंग्लिश ही बोलने की कोशिश करना है, हिंदी को भी बेहतर कीजिए अपनी। आप कोशिश करिए कि जब आप हिंदी बोलते हो तो सिर्फ हिंदी के शब्दों का उपयोग करें, जिससे कि आपको कभी वाद विवाद प्रतियोगिता हो तो उसमें मदद मिले, है ना। आप यदि इंग्लिश जब बोल रहे हैं तो सिर्फ इंग्लिश बोले। अमिताभ बच्चन ऐसा करते हैं, जब वो जिस भाषा को बोल रहे होते हैं उसी को बोल रहे होते हैं, हम सब बीच में घालमेल कर देते हैं, है ना। इंग्लिश बोल रहे हैं तो उसमें अंग्रेजी के शब्द तो हैं ही, लेकिन हाँ, हम इंग्लिश बोलते समय हिंदी के शब्द नहीं डालते हैं, लेकिन हिंदी बोलते समय बहुत बार अंग्रेजी के शब्द डाल देते हैं, तो इसको बेहतर करने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे कई एरियाज हैं जो आप घर में रहकर भी अपने आप को बेहतर 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 कर सकते हैं। डांस सीखिए घर में रहकर, आप बोलेंगे टीचर नहीं है, म्यूज़िक है आपके पास, आप सबके पास, आपके पास YouTube पे बेहतरीन ट्यूटोरियल्स वाले डांस के वीडियोस हैं। मेरे बच्चों को मैंने ये भी बोला है तो वो डांस पर वर्क कर रहे हैं अभी, और हम देखते हैं मूवमेंट्स में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, ज़रूर कभी ना कभी वो वीडियो डालूंगा उन लोगों का जब वो लोग खुद सेल्फ लर्न जो होता है खुद अपने आप को सिखाते हुए डांस सीखेंगे। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। अब आप बोलोगे कि सीखना क्यों ज़रूरी है, अरे उससे कुछ ये थोड़ी हो जाएगा, वो थोड़ी हो जाएगा। कई लोगों की ये भी टेंडेंसी होती है कि अरे ज़िंदगी चल तो रही आराम से, तुम कूल डाउन क्यों नहीं रहते। सीखना जो है एक ऐसी प्रक्रिया है, जिन लोगों में भी सीखने की आदत रहती है उनमें कभी भी अकेलेपन की फीलिंग नहीं होती, अवसाद नहीं होता है, डिप्रेशन नहीं होता है। ज़िंदगी में अकेलापन जो होता है ना, कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं, मेरे साथ कोई नहीं, मुझे कोई समझता नहीं, इस तरह के जो विचार आते हैं वह एक्चुअली किसी व्यक्ति के ना होने से नहीं होते हैं, उद्देश्यहीनता के होने से होते हैं। तो अपने आप को हमेशा कोई ना कोई उद्देश्य यदि आप जीवन में दिए रहेंगे, और जो कि सकारात्मक उद्देश्य होगा, तो आप बेहतर इंसान बनेंगे, आप खुश रहेंगे, आंतरिक खुशी हमेशा रहेगी, तो खुशी के लिए भी ज़रूरत है। और साथ ही साथ में जब यदि वो स्किल, यदि आपकी जो वो प्रतिभा है उसमें निखार आता चला जाता है और कल को आपको उससे बहुत तारीफ़ें मिलने लगती हैं, आपको कुछ अवार्ड मिलने लगते हैं, आपका हो सकता है उसमें करियर भी आगे बढ़ जाए, तो फिर आपको वो सब बाय प्रोडक्ट के रूप में फ़ायदे मिल रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो फ़ायदा, सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा है वह यह कि सीखने की प्रक्रिया ही खुद मज़ेदार होती है, इससे आप डिप्रेस नहीं होते। तो ये वीडियो आपको मोटिवेट करने के लिए कि घर में बंद रहकर भी आप कैसे बेहतर इंसान, ज़्यादा अच्छे निखरे हुए बेटर इंसान बनकर दुनिया में वापस आएं जब ये दुनिया खुलने लगे। थैंक यू वेरी मच।